और वहीं दूसरी तरफ अलवर के बाउंसूर कस्बे के आरसीआई शिक्षा ग्रुप के तत्वाधान में छात्र छात्राओं ने 2100 तिरंगे और 10,000 वर्ल्ड पीच की रंगोली बनाई और मां भारती के जयकारे लगाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम राहुल सैनी रहे। बांसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और बांसूर चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा और बांसूर प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम से पहले स्कूल निदेशक डॉक्टर विजय यादव ने मुख्य अतिथियों को तिरंगे रंग का साफा पहना करके स्वागत किया और इस दौरान महारानी लक्ष्मीबाई महात्मा गांधी की वेशभूषाओं में साथ नजर आए। वहीं इस प्रतियोगिता का मुख्य अतिथियों ने अवलोकन कर प्रथम स्थान पर रहे ग्रुप को स्कूल की ओर से स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत किया और इस दौरान बांसुर एसडीएम के उद्बोधन में बच्चों से मेहनत करने और लगन से पढ़ाई करने के लिए हौसला अफजाई की। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज 13 अगस्त को आरसीआई एजुकेशन हब बांसूर के प्रांगण में लगभग 3,000 विद्यार्थियों ने 2100 फ्लैग के साथ इस महोत्सव का आगाज आज किया है। इसी के साथ हमारे यहाँ अलग अलग ब्लॉक के विद्यार्थियों ने सभी विद्यार्थियों ने मिलकर के इस महोत्सव पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। लगभग 10,000 वर्ग फिट रंगोली तैयार की गई जिसका अलग ब्लॉक के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी तैयार किए गए। कार्यक्रम में उप जिला कलेक्टर श्रीमान राहुल सैनी जी, साथ में डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा जी और प्रधान साहब, चेयरमैन साहब, एग्रीकल्चर ऑफिसर सुरेश जी, सभी ने विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा इसका मैसेज देते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने घर पर तिरंगा जो झंडा है वो फहराने के लिए हमने आज मोटिवेट किया।